हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कन्यादान कविता जो ऋतुराज जी ने लिखी है इसके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर माँ का कन्या के प्रति चिंतित स्वभाव कवि ने दर्शाया है। माँ ने अपने जीवन में जो दुख देखे थे या जो दुख सहे थे, वह ये नहीं चाहती है कि जब उसकी बेटी का विवाह हो तो उसे वही दुख देखने पड़े। उसकी बेटी उसकी अंतिम संपत्ति थी और जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ बांटना चाहती थी। बेटी का विवाह तो वह कर रही थी, लेकिन अब वह चिंतित थी क्योंकि उसकी बेटी बहुत समझदार नहीं थी और उसने दुनियादारी को समझा नहीं था। अभी वह बहुत भोली है और सीधी साधी है। वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती है, लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता है कि दुख असल में होते क्या हैं। दुख को पढ़ना और समझना उसे अभी आता नहीं है क्योंकि उसने केवल जीवन में माँ के पास रह करके केवल सुख ही देखे हैं और ऐसा लगता है कि वह अभी धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों को ही पढ़ना जानती है, लेकिन उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आता है। जीवन की तुलना कल्पना किससे की है? जीवन की तुलना कविता के साथ की है कि पढ़ तो लेती है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानती है, यानी कि वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भले भांति नहीं समझती है। उसे चालाकी भी अभी नहीं आई है। कवि ने बदल चुकी वर्तमान कालिक सामाजिक व्यवस्था की ओर इस कविता में संकेत किया है। माँ के जीवन में अब बेटी के विवाह के प्रति कोरी भावुकता और प्रेम का भाव नहीं होता, बल्कि वह बेटी को शिक्षा देती है तो अपने अनुभवों को भी उसे प्रामाणिक रूप से बताती है कि किस प्रकार से वह अपने जीवन को सही ढंग से जिए और आगे के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं उठाए। कवि ने माँ के दुखों को प्रामाणिक माना है। प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन्हें सहा है। बेटी माँ की अंतिम पूजी थी क्योंकि अपने जीवन का हर सुख दुख उसी के साथ वह बांटती है और माँ अपनी बेटी के सुख दुख की साथी होती है। लड़की का दान से तात्पर्य लड़की का विवाह है और युगों से होने वाली चलने वाली परंपरा में विवाह के समय कन्यादान का प्रचलन है। अगर कविता की बात करें तो अभी लड़की बहुत भोली और सीधी है, उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। लड़की को सुख का आभास तो है लेकिन उसने अभी दुख को नहीं झेला है और दुखों का अनुभव नहीं किया है। लड़की को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से तात्पर्य ये है कि विवाह से पहले लड़की को परिवार में रहते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इतना उसको नॉलेज नहीं होता है कि समाज में उसके साथ क्या बुराई और मिल सकती है आगे के जीवन में। पाठिका उस लड़की को कहा गया है जो जीवन के सामान्य ज्ञान को अभी प्राप्त कर रही है। इस कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लाक्षणिकता के प्रयोग ने कवि के कथन को गहनता और गंभीरता प्रदान की है। यहाँ पर प्रसाद गुण विद्यमान है और धुंधला प्रकाश ये प्रतीक जो है इसमें प्रतीकात्मक चिन्ह रूप से कवि ये कहता है कि अस्पष्ट सुख जिसको कहा है, शांत रस है, हेतुकांत छंद का प्रयोग हुआ है।